डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं आपको पाठ दो वर्णमाला और लिपि पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है वर्णमाला और लिपि। तो आज मैं आपको मात्राओं के बारे में बताऊंगी। क्या है ये मात्राएं? इसको हम सिंबल्स ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा चार्ट बना रही हूँ, उसके द्वारा आपको समझाऊंगी। तो बच्चों अभी मैंने क्या बताया है आपको? मात्राएं। अब मैं आज आपको मात्राओं के बारे में बता रही हूँ। ऊपर दिए जो कॉलम है, कॉलम एक और तीन में शब्दों के प्रारंभिक स्वर, कॉलम एक और कौन सा वाला है? तीन। तीन में शब्दों के स्वरों के मूल रूपों का प्रयोग हुआ है। ये देखिए, जैसे आ, ये क्या है? मूल रूप है, स्वर का मूल रूप है। आम, इधर, ई, उल्टा, ऊन, ऋषि, ऐला, ऐसा, वाला और औरत। तो बच्चों ये क्या है? हम जब स्वर पढ़ते हैं तो आम, इधर, ई, उल्टा, ऊन, ऋषि, ऐला, ऐसा, वाला और औरत। तो ये मूल रूप है, जैसे छोटा बड़ा हम पढ़ते हैं ना, ऐसे ही छोटा बड़ा वाला है। ठीक है, ऋषि ऋषि, ऐसे ऐला, ऐसे एडी, ऐसे अलग, ऐसा वाला पढ़ते हैं ना। तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या है? स्वरों का मूल रूप का इसमें प्रयोग किया गया है, कॉलम दो और चार में। अब कॉलम दो में और चार में किस चीज का प्रयोग किया गया है? व्यंजन वर्णों में स्वर वर्णों की मात्राओं का प्रयोग किया। ये व्यंजन वर्ण है ये, और ये व्यंजन वर्ण है, इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया है? किस चीज का? स्वर का प्रयोग किया है। जैसे दाम में आ की मात्रा, किधर में छोटी ई की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें छोटे ऊ की मात्रा, इसमें बड़े ऊ की मात्रा, इसमें ऋषि की मात्रा, इसमें ए की मात्रा, इसमें बड़े की मात्रा,
इसमें छोटे ओ की मात्रा इसमें बड़ा ओ की मात्रा। तो जैसे दाम है तो दाम में हमने क्या लगाया है अ की मात्रा, इस आ की मात्रा यहाँ लगाएंगे। किधर में छोटी ई की मात्रा, भीख में बड़े ई की मात्रा, उल्टा में छोटे ओ की मात्रा, चूना में बड़े ओ की मात्रा, कृषि में यहाँ नीचे देखिए ऋषि की मात्रा है ना उनके, केला में छोटे ए की मात्रा, कैसा में बड़े ए की मात्रा, गोला में छोटे ओ की मात्रा और सौगात में बड़े ओ की मात्रा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो कॉलम पांच है इसमें र वर्ण में हमें छोटा ओ और बड़े ओ की मात्राओं का हमने प्रयोग किया है। इसमें क्या करा है, ये जो र वर्ण लिखा हुआ है इसमें हमने छोटे ओ और बड़े ओ का प्रयोग किया गया है। तो जैसे रुचि, इसमें कौन से की मात्रा है, छोटे ऊ की, और बड़ा ऊ की मात्रा इसमें है, बड़े ऊ की मात्रा रुई में है, तो रुचि और रुई, इसमें छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। यहाँ कहने का मतलब क्या है, इसमें जो स्वर का मूल रूप है कॉलम एक और तीन में स्वर का मूल रूप का हमने प्रयोग किया है, और नंबर दो और चार में इसमें स्वर की जो मात्राएं हैं उसका प्रयोग किया है, इसमें र में छोटे उ और बड़े उ की मात्रा का प्रयोग किया है जो बीच में और दाहिनी ओर लगती है। अब है बच्चों देखिए ये कॉलम ऐसा है, ये कॉलम आप देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, आपको क्या करना है, ऐसा कॉलम आपको दिखाई दे रही है नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको क्या बताया है, कॉलम बताया है। तो अब आप जल्दी से इसका ऐसे चार्ट बना करके जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो बच्चों आपने इसको लिख लिया होगा, अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूं। तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या बता रही हूँ, व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर स्वरों का रूप परिवर्तित हो जाता है जिसे मात्रा कहते हैं। आपको मालूम है कि व्यंजन के साथ ही हम स्वर का प्रयोग करते हैं, व्यंजन के साथ ही हम
स्वर की जो मात्राएं हैं उसको लगाते हैं। तो व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर, जब व्यंजन वर्णों से संयुक्त होते हैं तो स्वरों का जो रूप होता है वो परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब आइए स्वरों के मूल रूप, मात्रा रूप और उनके व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग को जाने। अब मैं इसके प्रयोग को आपको बता रही हूँ। देखिए मैं इसमें क्या लिख रही हूँ, मूल रूप, मूल रूप, मूल रूप जैसे अ, मूल रूप क्या है अ, इसकी जो है प्रयोग क्या होता है, इसमें मात्रा नहीं होती है, मात्रा नहीं होती है। आ का क्या होगा, इसमें मात्रा नहीं होती है। बच्चों आपने सुना होगा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब है बड़ा अ, अब क्या है इसके बाद बड़ा अ, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग कब करते हैं हम, व्यंजन के बाद। तो बड़ा अ की मात्रा क्या होती है, ये होती है, बड़ा की मात्रा ये होती है। जैसे माला काला खाला, जैसे माला काला और भाला, ये क्या है, इसमें किस चीज का प्रयोग है, आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब है छोटी ई की मात्रा, ये क्या है बच्चों, छोटी ई की मात्रा, इसका प्रयोग व्यंजन से पहले किया जाता है। जैसे खिला मिला किसान, इसमें क्या लगी है, छोटी की मात्रा। जैसे इसमें अ की मात्रा लगी है, अब इसमें क्या लगी है, छोटी ई की मात्रा। ये कब लगती है, व्यंजन से पहले लगती है, खिला मिला किसान। अब ये किस चीज की मात्रा है, बड़ी ई की, किस चीज की मात्रा है, बड़ी ई की। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है, इसका प्रयोग कब होता है, व्यंजन के बाद होता है। जैसे नीला पीला नीला, नीला ठीक है, इसमें कौन सी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, नीला पीला नीला। अब है छोटा उ, छोटा उ का प्रयोग कैसे होता है, इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे होता है। प्रयोग कहाँ होता है इसका, व्यंजन के नीचे होता है। जैसे मुस्कराना झुकना सुख दुख, मुस्कराना मुस्कराना सुख और दुख, इसमें मैंने किस चीज का प्रयोग किया है, छोटे उ की मात्रा का प्रयोग किया है। अब है बड़ा उ की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा में क्या चलता है, जैसे खून धूना धूना, खून दूना दूना।
इसमें किसका किसका प्रयोग किया है? बड़े ओ की मात्रा का प्रयोग किया है। अब है रुसे ऋषि की मात्रा, ऋषि की मात्रा का, इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? व्यंजन के नीचे करते हैं। जैसे कृपा गृह कृषि, जैसे कृपा गृह और कृषि, ये किसका प्रयोग किया है मैंने? रुसे ऋषि की मात्रा का। एक बार मैं आपको बताती हूँ, आधी कोई मात्रा नहीं होती है, आधी कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ की मात्रा कैसे लगती है? माला काला भाला। अब है छोटी की मात्रा, खिला मिला किसान। अब है बड़ी ई की मात्रा, नीला पीला लीला। अब है छोटे ऊ की मात्रा, मुस्कराना शुद्ध, मुस्कराना और शुद्ध। बड़े ऊ की मात्रा, खून दूना भूनना, खून दूना भूनना। अब है रुसे ऋषि की मात्रा, कृपा गृह और कृषि, कृपा गृह और कृषि। तो अब मैं आपको इसके और बताती हूँ। अब है एक की मात्रा, जैसे इसकी एक मात्रा होती है, एक की एक मात्रा होती है, जैसे पेड़ बेटा फिलेटा, पेड़ दो मात्राएं होती है, ठीक है? इसमें कितनी मात्राएं होती है? दो मात्राएं होती है। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर होता है। पैसा कैसा जैसा, पैसा कैसा और जैसा। अब एक छोटा और, अ की मात्रा, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है, जैसे गोला गोला टोला, गोला 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 और टोला। अब दौर कौर दौर, दौर इसका क्या होगा? एक का पेड़ बेटा लेटा, एक का पैसा कैसा जैसा, औ का गोला गोला टोला, औ का दौर कौर दौर। तो बच्चों आज आपने इतना समझ लिया होगा। थैंक यू बच्चों।